बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता, आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप हम क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसे कहते हैं इतिमार। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज़ बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। अब वो क्या है? एक चीज़ बढ़ाते हैं और वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी। घटना बाद में घटी। ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी ज़िंदगी है उसमें एक चीज़ बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी ज़िंदगी बड़ी कठोर थी, बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए गुर छोड़ गए, अपनी ज़िंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त के प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, चलते फिरते भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात ये कि उसके कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थिर कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे में निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए गुर छोड़ गए। अगर हम इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है।
एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है वह उसके लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाता है। इस तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए ये कुछ गुड़ छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे अपने जीवन में ढालें, अपनाएं, अपनाएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, सद्गुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी और निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूँ। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कोई मनुष्य योनि प्रदान की है। यह सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया और हमको इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पैन जहीं पर लोक सवार। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पैन जहीं पर लोक सवार। ऐसी मनुष्यों ने जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील रहें तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ही एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर तज विषया रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौच। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्याता वंद्यान, आधा घंटा सायकाल वंदन अवश्य करना चाहिए। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से
परमात्मा की पूजा करते हैं, बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ तो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, और हमारे देखा के देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं, गॉड फियरिंग हैं, और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं। अगर हम ये पूछें कि इस पूजा का आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपको बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा, और उन्होंने ऐसा तरीका बतलाया सर्वसम्मत जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई और वह मेथड तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। संसार में हर मज़हब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें नई बात नहीं, आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, ये सब होते आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका सबसे पहला काम एक इष्ट का निश्चित करना, अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसे नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, अगर रोज़ रोज़ बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वह जब ही हो सकते हैं जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें, कुशा या कंबल का आसन हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से फिर कल्पना करें आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, फिर कोई भरा भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा, और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अवस्था अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया।
जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, असुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वह भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुनें जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे, हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहेगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे माने, उन्हें चुने जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन तो वही है, सुख आसन से परौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि आपके हृदय से ओम की आवाज़ निकल रही, ऐसी हालत हो जाती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बताया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हमें आत्मा उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। परमात्मा तू ही है, तेरी जप बोलो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।